बस सस्ता का यही तो अभी मैंने बताया कि सस्ता बनाने का मकसद यही है कि हमारी व्यापारी कम्युनिटी के यंगस्टर जो बच्चे हैं उनको अवेयरनेस लाना एजुकेशन में और अपना स्पोर्ट्स में ये सब करना है, इसीलिए इसकी शुरुआत की। सर इतने सारे लोग जुड़े हैं आपके साथ, ये किसकी सोच थी कि इस तरह का इनिशिएटिव भी लेना चाहिए? अब ये सोच तो सभी की होगी, इसीलिए सब मिलके जुड़ गए, शुरुआत की थी छोटी सी बात को लेके, और अभी इतना अच्छा माहौल बन गया है और सभी भाई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सभी, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा समाज एक होके और एक आगे चल के, मैं समझता हूँ कि इसमें एक ये मिसाल बनेगी। और सर आगे चल के और क्या क्या ये संस्था स्टेप लेने वाली है? ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसके अलावा और क्या क्या कर रही है ये संस्था, अगर उस बारे में कुछ बताएं? ये संस्था के भी प्रपोजल तो बहुत सारे हैं कि हमने जो सोच रखा है, जब मैंने आपको बताया कि एजुकेशन तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा और बच्चों में अवेयरनेस लानी है कि भाई जो बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है उसके लिए हम लोग आगे बढ़ के उसकी हेल्प करेंगे, और तुम जो एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो व्यापारी समाज का होगा, जिसमें व्यापारी समाज के लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स है ये है वो सब पे हमने ध्यान देना है। सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि को यहाँ पे मौका देगा, जो अच्छा खेलेगा उसके आगे के लिए क्या फ्यूचर होगा, क्या उन्हें IPL जैसे पर आप काम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल सही है, यही हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं कि जो बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है या अच्छा खेलना चाहता है उसको ही हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, यही हमारा मेन इसका मुद्दा है। सर आपकी ग्रुप 1984 से है, क्या करते हैं आपकी ग्रुप के बारे में थोड़ा कुछ आप अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को, किस तरह से आपका बहुत सारा योगदान है इंडस्ट्री के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? अब इसके लिए 84 से हम काम कर रहे हैं तो करते करते चले जा रहे हैं, इसके लिए तो भी स्पेशल क्या बोला जाए। सर लश्करिया ग्रुप इस तरह के इनिशिएटिव हमेशा से लेता रहा है, तो उसके पीछे की क्या सोच है थोड़ा सा अगर हमारी जनता को बताएं? उसके पीछे एक ही सोच है कि समाज ने हमें दिया है, हम समाज को लौटाना चाहते हैं कि भाई समाज के लिए कुछ करें, उनके लिए कुछ सोचें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कितनी मेहनत लगी, कितनी मशक्कत लगी, कितने चैलेंजेस थे, जैसे हमें पता चला कि पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा आपका ही है, तो उस बारे में कुछ बताइए। फर्स्टली हमने जब ये स्टार्ट इनिशिएटिव लिया था तो पहली बार ये बॉम्बे में हमारी कम्युनिटी को जोड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत लगी, बिकॉज ऑन ग्राउंड हम यंगस्टर्स कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, तो सबको बुलाना, कोऑर्डिनेट करना, वो बहुत काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था, बट इट वॉज अलहमदिल्ला इट वॉज ऑल गॉट वेरी ईजी विद द फ्लो। ये इनिशिएटिव से हमें ये सपोर्ट मिला है कि हम वी आर सबको मिला के नॉट ओनली जस्ट द स्पोर्ट्स, हम एजुकेशन की तरफ और यू नो आर डॉटर्स एंड सिस्टर्स उनको भी हम लोग मिला के उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प करना कोशिश करेंगे, मेडिकली वाइज एज वेल एंड मैरिज वाइज एज वेल इफ वी कैन। हाँ, विनर टीम के लिए प्राइस स्पॉन्सर्स किया है इरफान खोकर जी ने, उसके अंदर विनर टीम को 1 लाख रुपीज़ है, रनर्स अप को 51,000 रुपीज़ है एंड देन मैन ऑफ द मैच एंड सो गोज ऑन। सर आपने कहा आप एजुकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या कौन से क्षेत्र में आप एजुकेशन कैसे आप प्रोवाइड करते हो थोड़ा बताइए? एजुकेशन के मान्य ये है कि जैसे जितने भी बच्चे आज एडमिशन परस्पेक्टिव या उनके विजन है या कोई डॉक्टर बनना चाहता है और डिफरेंट बैकग्राउंड्स में या अलग अलग फील्ड्स में जाना चाहते हैं, वी विल स्टैंड बाय देम एंड सपोर्ट देम टू गेट इनटू द फील्ड वेयर दे वांट टू, ये दैट दिस इज़ आवर मेन विजन एंड थॉट एंड मिस्टर श्री असलम लश्करा जी ऑलवेज वॉन्टेड द एजुकेशन हैज़ टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। This is the first initiative started and we are on the path के हम इसे start, हम लोग we are very aggressive because आप देख रहे हैं आज जोश और जुनून हर यंगस्टर का, हर डायरेक्टर्स का, एल्डर का और हर फैमिली का सपोर्ट है, आज हमारे YouTube व्यू लाइव पे भी आप देखें इट्स मोर देन 100+ व्यूअर्स है अभी, तो इससे दिखता है कि एवरी वन इज़ वेरी enthusiastic टू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव। एक बड़े स्ट्रैटेजी के लिए, बड़े
के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बहुत जरूरी होता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या आने वाले दिनों में कोई सेलिब्रिटी होगा या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होगा ब्रांड एम्बेसडर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अपील होना बहुत। आपकी बात सही है, बट हमारी दिस इज़ कम्युनिटी, हम राजस्थानी समाज में कोई स्पोर्ट्स पर्सन या तो कोई सेलिब्रिटी है नहीं, हमारे लिए हमारे जितने भी एल्डरली पीपल है उसके अंदर से जो भी मतलब दे आर वेल नोन इन द कम्युनिटी, तो दे विल ऑलवेज बी स्टैंड आर एंड दे विल बी आर रोल मॉडल। वी डोंट नीड सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स पर्सन, वी नीड द डेडिकेशन एंड द लव एंड अफेक्शन फॉर द कम्युनिटी, दैट इज़ आर सेलिब्रिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये जो इनिशिएटिव है हमारा राजस्थानी व्यापारी समाज लीग, ये बहुत स्पॉन्टेनियस फैसला था। हम एक बार बैठे थे और चर्चा हुआ कि यंगस्टर्स को जोड़ना है, अब यंगस्टर को जोड़ने के लिए क्रिकेट से अच्छा कोई जरिया नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। इसके आगे और भी स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग इनिशिएटिव लेने वाले हैं लश्करिया ग्रुप की तरफ से, वॉलीबॉल हो गया और भी जैसे जैसे स्पोर्ट्स है, फुटबॉल हो गया। यही मेन रीज़न था हमारा कि यंगस्टर्स को जोड़ना, हम बॉम्बे में रहते हैं, जानते नहीं हमारे गांव वालों को यहां पर, उस कारण की वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया। राइट। ऑल्सो जो है उनके फ्यूचर के लिए क्या प्लान सोचे आपने, क्रिकेट और वॉलीबॉल ये सब तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, साथ ही साथ उनके फ्यूचर के लिए क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने? हम लोग ने फ्यूचर के हिसाब से देखेंगे तो ये जो हमारा राजस्थानी व्यापारी समाज का एक संस्था बना है, उस संस्था के द्वारा हम हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। उस चीज़ के लिए हमने जो हमारी कमेटी है उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लान बनाया है, उस प्लान के दौरान विद इन 5 ईयर्स के अंदर आपको रिजल्ट दिखने मिलेगा। और किसका किसका सपोर्ट मिला है आपको इस इनिशिएटिव? इस इनिशिएटिव में पहले तो मेरे जो डैडी है असलम लश्करिया जी, जिनका इनिशिएटिव है ये मेन, इसहाक भाई कुरैशी, उनका भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। इसहाक भाई कुरैशी ने ये मीडियम को आगे लेके आए हैं और आज ये प्लेटफॉर्म पे हम सब आए हैं साथ में। आप जो टीम को लीड कर रहे हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि क्या है? टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हमने, काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस की, दिन रात प्रैक्टिस की, काफ़ी मीटिंग्स की, मीटिंग्स के बाद जो आज गेम हुआ है, गेम के अंदर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है, क्रिकेट है अप्स एंड डाउन्स होता है, नेक्स्ट मैच के अंदर हम इसको इम्प्रूव करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। My grandfather started this team. We are happy about it. We are all happy about it. क्या इनिशिएटिव है थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, और किसका किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और जो ये कम्युनिटी को साथ में लाने का इनिशिएटिव के बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए ये बहुत सिंपल और आसान और अच्छा इनिशिएटिव है, पूरी कम्युनिटी को एक साथ एक बोर्ड पे लेके आना, और जो राजस्थानी व्यापारी समाज संस्था जो बनाई है वो उसका उद्देश्य ये है कि पूरी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना। जैसे बोलते हैं ना कि कम्युनिटी से डायमंड को टिक करना, टिक द डायमंड, क्योंकि आप कम्युनिटी में देखेंगे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इशूज दे आर नॉट एबल टू टेक ओवर। तो हमको वो बच्चे सर्च करना है कम्युनिटी में जो आगे IAS बन सकते हैं, मेडिकल में अच्छा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकते हैं, और हमको मेडिकल हेल्प पे बहुत कुछ करना है कम्युनिटी के लिए। तो हम सब मिलकर हमने एक स्ट्रैटेजिक टीम बनाई थी 1.5 साल पहले, और सब मिलकर हमने फिर एक राजस्थानी व्यापारी संस्था बनाई। वो संस्था बना के हमने ये जो इवेंट किया है, क्योंकि आप देखेंगे कि क्रिकेट स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जिसमें आदमी बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है और बहुत सपोर्टिव और न्यूट्रल रहता है, तो इसीलिए क्रिकेट का आयोजन किया था कि पहले हमने बम्बई में जितने भी हमारे राजस्थानी व्यापारी समाज संस्था के लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करी है। और ये जो मैंने पॉइंट मेंशन किए मेडिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इस पर हम मेजरली फोकस होकर काम करेंगे, आगे टीम बनाएंगे हर गाँव में, और बम्बई में भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बनाएंगे जो इन सब चीज़ों पर काम करेगी। तो मेरे साथ बैठे हैं हाजी उस्मान मोह साहब जो हमारे काफ़ी सीनियर हैं कम्युनिटी के, और शाहिद खोकर साहब जो फतेहपुर से हैं बम्बई में है, और उमर सोलंकी साहब जो फतेहपुर के हैं बम्बई में है, ये हमारे सब स्ट्रैटेजिक मेंबर हैं जो 1.5 साल से काम कर रहे थे। तो ऑल इज़ गुड फॉर कम्युनिटी, हम चाहते हैं कि कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ें और अच्छा करें पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, और मेडिकली हम हेल्प करें, जो हमारी कम्युनिटी के कुछ एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर मेडिकल में फाइनेंशियल इशूज आते हैं, तो हम साइलेंटली उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। हम एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं कि कम्युनिटी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास फटाफट आए और हम उनको बिना बताए चीज़ों को हेल्प करते जाएँ।
हमको राजस्थानी व्यापारी समाज संस्था को ऐसा कोई नाम नहीं चाहिए, हम चुपचाप काम करना चाहते हैं कम्युनिटी के सपोर्ट। थैंक यू। बाकी सर आप लोग बताइए, आप लोग कैसे जुड़े हुए हैं और इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अगर एक एक करके आप शायद सर आपसे शुरुआत कर दें। देखिए हमारे इसाक भाई जो है ना, काफ़ी इनका टाइम इसमें हुआ और इनके वजह से हम जुड़ गए और हमारे असलम भाई लश्करिया जो है इनकी अच्छी रिलेशन हमारे साथ है, राजस्थानी कम्युनिटी में हम सब जुड़ गए, बस इतना ही कहना है। हमारे इसाक कुरैशी साहब ने इनिशिएटिव लिया और एक कौम को जोड़ने की कोशिश की और इनके इनिशिएटिव से आज हम लोग यहाँ पर एक साथ में जुड़े हैं। असल में मुबारकबाद देना चाहता हूँ साहब भाई को जो इनिशिएटिव लिया है, लश्करिया ग्रुप को जो टूर्नामेंट का आगाज़ किया है माशाल्लाह, और कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है इंशाल्लाह, फ्यूचर में भी ये देखेंगे। और जैसे इन्होंने इनिशिएटिव लिया है एजुकेशन के बारे में, मेडिकल के बारे में, तो इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। थैंक यू।